नानी के घर जाएंगे, लक्ष्मलाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। आज आपका फोटो सेशन है, आप पाले पाले बन जाओगे आज। हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर वीकेंड और ये वीकेंड है बिल्कुल एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले कुकू के बर्थडे के, और आज हम जा रहे हैं कुकू का फोटोशूट कराने। कुकू बस हम निकल गए हैं अब, बोल रही है वो, बता रही है कि 20 मिनट्स रहते हैं अभी पहुंचने में। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैटरनिटी में भी मैंने फोटोशूट करवाया था आपने, लेकिन वो वैसा नहीं कराया जैसा मुझे चाहिए था, मतलब प्रॉपर। क्यों हंस के रहे हो? मैं कितना लगी रही थी ऐसे करना वैसे करना है, फिर एंड मोमेंट पे फिर जैसा मतलब मिला ऑप्शन पे वो वैसे ही किया। लगा हुआ है पीछे, चाहता ही नहीं मेरी वीडियो बने ढंग से। क्या लगा रखा तुमने डिस्टर्ब करने के लिए? तुम्हें निकालते हैं बार बार। हाँ तो मैं कहाँ पे थी, तो आज चलते हैं फोटो शूट करवाते हैं एंड लेट्स सी ये कैसे करता है। मुझे तो बस टेंशन ये है कि वहाँ पे ये क्रैंकी ना हो जाए और उन्हें उन्हें ना लग जाए, तभी हम तीन तीन लोग जा रहे हैं ताकि एक एक करके उसको संभाल लें। अगर ये थोड़ा बहुत तो सो के हम लेके आए हैं इसको, क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। तीन तीन लोग जा रहे हैं, अकेले चले जा रहे हैं। अकेले भी जा सकती थी मैं, अगर कुकू नहीं होता तो मैं अकेले भी चली जाती, अपना होता मेरा, ठीक है माइंड यू। ओके कुकू बच्चा जा रहा है मरता, मम्मी को तो देखता ही नहीं है और हर जगह देखता है, देखते कितना टाइम लगता है। 3 से 6 का स्लॉट है हमारा, 2:30 बज चुके हैं तो लेट्स सी। लेट चल रहे हैं, लेट नहीं चल रहे, टाइम पे चल रहे रहते तो। उन्होंने 15 मिनट पहले जरूर बुलाया था, बट हमें तो पता ही, हम तो कभी टाइम से जाते नहीं है, और स्पेशली पंकज साथ में हो तो हम टाइम से कभी जा ही नहीं सकते, बट हम जा सकते हैं, एटलीस्ट हम जा सकते हैं पंकज के साथ। तो मिलते हैं वहीं पे, कैसा रहता है सब कुछ बताती हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय। A few moments later. So we are at the location and Cuckoo is playing. चलो बेटा जितना खेलना है, फिर उसके बाद आपको काम पे लगना है ना, काम पे लगना है आपको। बस पहुंच गए हैं, 2 मिनट हुए हैं बाहर हुए, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलो चलो बेटा चलो, अभी रोने लग गया तो बाद में क्या करेगा? बाद में क्या कर लोगे आप? ये रहा, अभी एक शॉट हुआ है और हम ऐसे थक गए हैं तीनों के तीनों, हमसे ज़्यादा कुकू थका हुआ है एक्चुअली, ये अच्छे से सोया नहीं ना, तो इसको अभी हम ब्रेक दे रहे हैं, मिल्क ब्रेक, और देखते हैं अगर सो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, सो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है ना। एक्सक्यूज मी, हेलो सर, एक्सक्यूज मी, माय व्लॉग इज यू नो। हाय गाइस, आई वांट सम रेस्ट। इन दोनों बाप बेटे थके हुए थे और बाकी में हमें लग रहा था कि हम परेशान हो रहे थे लास्ट ईयर, नहीं मैटरनिटी शूट में गर्मी हो रही थी, अब पता चल रहा है अपने से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को होती है। बिल्कुल मूड में नहीं था एक फोटो सेशन के, और अब तो पता नहीं, देखते अगर रेस्ट लेके थोड़ा सा इसने हमारा साथ दिया तो बाकी पता नहीं क्या होगा। केक वाला तो करवाना है और कुछ करवाना कर लेगा। सो लेट्स सी, शुरुआत ऐसी है एंड कैसा होगा। बट इसने पोजेस तो बहुत बेस्ट दिए हैं, मतलब बिल्कुल हिला नहीं, भागा नहीं, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा स्माइल में थोड़ा सा ये कंजूसी कर जाता है। पता नहीं माँ बाप इतने हंसने वाले बच्चा पता नहीं आता कैसे मूड से हंसता है, बिल्कुल कोई बोल देगा ना फिर तो कुछ भी नहीं करेगा। पापा भी वैसे कम ही स्माइल करता है, मम्मी हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, बस स्माइल के मामले पापा गया, बाकी सब मेरे से।
तो दो शूट हो गए हैं, आधे घंटे की नैप ले ली है कुकू ने। अब फाइनल एक शूट जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है वो रहता है, जो कि है एक केक स्मैश। अभी उठाया बस उसको, कैसे तैसे आधी नींद में उठाए। थोड़ा सा नॉर्मल होगा और उसके बाद फोटो सेशन होगा, और बहुत भूख लग रही है हम लोगों को भी। 3 घंटे कैसे चले गए पता नहीं चला। बच्चों के साथ फ़ोटो सेशन करना इज़ लाइक बहुत मुश्किल काम है मुझे वाकई में। अब लग रहा है लास्ट ईयर इतनी गर्मी थी, मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल से फ़ोटो सेशन हुआ था मेरा पंकज का, तो हमें लग रहा था बहुत मुश्किल है, बट अब लग रहा है कि वो बहुत ईजी था। क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता मूड का, कब क्रैंकी हो जाते हैं, उनको सोना भी होता है, सब कुछ करना होता है, सो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो बस अभी वो उठा है, थोड़ा सा नॉर्मल होगा और उसके बाद उसका फाइनल ये हो जाए, अच्छे से हो जाए। रेडी? ठीक है ठीक है ठीक है। सो वी आर गोइंग एंड हेयर इज कुकू, फाइनल शूट के लिए तैयार करते हैं। पुराना वाला उतार दो, ठीक है? नहीं रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है बस, और कुछ भी करो रो मत। चलो ये नाउ ही इज लुकिंग हैप्पी, थोड़ा सा आराम से मिला। खेल रहा देख, सर मार रहा है। ओ बैल मेरे कहाँ सर मार रहा है। चलो भैया ना Much later. So we reached home. अभी 7 बज गए हैं और हम 2 बजे के करीब निकले थे, ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए, टाइम का एक्चुअल में पता नहीं चला। और बस किसी तरीके से शूट हो गया। लास्ट वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कि ये कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैं थक चुका हूँ, मुश्किल से आधे घंटे की नैप उसको उठाना पड़ा। इट्स फाइन, इट वॉज गुड। बाकी फोटोज आएंगी उसमें पता चलेगा कैसी फोटोज आई हैं, अच्छी आई हैं वैसे तो। पोज में तो मतलब ही वॉज नंबर वन, अच्छे पोज दे रहा था। अभी कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। मैंने तो फिर भी कुछ चाय वाय पी के गई थी, बट पंकज बिल्कुल भी खा के नहीं गया था और नींद भी पूरी नहीं है उसकी, तो ही वॉज फीलिंग टायर्ड। कल जाना है दिल्ली, तो कल ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। लास्ट वीक का ब्लॉग भी अभी मैंने एडिट नहीं किया है, मतलब वीडियो ऐसा होगा मैं बनाती जाऊँगी और एडिट करने का जब टाइम मिलेगा तब एडिट करूँगी। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, तब तक नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या बात हो गई बताओ, क्या बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम है? मैं पीछे भेज रही हूँ, परेशान हो ले, आगे बैठ के परेशान हो तो लेता है। क्यों परेशान है? कुछ ना कुछ चाहिए इसको हाथ में, चाहिए ना हाथ में, ये खेल लूं कभी, वो खींच लूं कभी, वो तोड़ दूं, है ना, ऐसे करना होता ना। गंदा बच्चा। आज कहाँ जा रहे हैं बताओ, सबको बता दो। हम नानी के जा रहे हैं, नानी के घर जाएंगे, लक्ष्मी लाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। You can and you will make a difference. So, आज है Wednesday. Last vlog शायद Saturday या Sunday में बनाया था, Sunday में बनाया था I think. और उसके बाद कुकू का कटिंग भी हो गई और कुकू की क्या शूज़ भी आ गए। मैंने सोचा व्लॉग एंड भी नहीं किया है तो आज भी काम से निकले हैं हम दोनों,
पंकज को अपना ब्लेजर लेना है और मेरा फाइनली गाउन रेडी हो गया है, तो मुझे आना है फिटिंग देखने के लिए और बाकी मैं मतलब उसको लेना भी है, तो देखूंगी फिटिंग विटिंग सब बढ़िया है तो आज ले ही आऊंगी। कुकू का तो सब हो गया, मतलब कुकू है जो सब कुछ मतलब रेडी है उसका उसका कटिंग वटिंग सब हर चीज एकदम परफेक्ट हो चुकी है, हम दोनों का रह गया। पंकज जो सबसे पीछे ही रहता है तो पंकज सबसे लास्ट में अपना आउटफिट लेने जाएगा। ये ड्रेस हमने लास्ट ईयर जून में ही पहनी थी दोनों ने, जब हमने अपना मैंने मैटरनिटी शूट करवाया था तो ये सेम था, तो आज पंकज ने ये टी शर्ट पहनी तो मैंने भी पहन ली और बहुत फर्क लग रहा है, तो मैं वेट काफ़ी गेन हो गया था तो अब पहन के ऐसा लग रहा है लूज लूज सा पहन लिया कुछ, तो ये कंफर्टेबल भी है तो मैं तो बहुत पहनने वाली हूँ इसको गर्मियों में। ले लो बात या मुँह खोल के भी ले सकते हो आप, मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। अब मैं सीधा कल परसों में ब्लॉग शुरू करूंगी जब बर्थडे का डे होगा और उसमें देखती हूँ कितना बना पाती हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी बनाने की, चाहे फ़ोन से बनाऊँ किसी चीज़ से बनाऊँ। सो आई थिंक या यहीं ब्लॉग ख़त्म करते हैं एंड सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, वो बर्थडे का ब्लॉग होगा। आई होप बर्थडे बहुत अच्छे से हो, कुछ हो रहा है वो भी कर लो तो ठीक है, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन take care, don't thank forget you. To smile, bye, don't forget to smile, bye वो action बाद में कर रही हूँ पहले कर दे रही हूँ, don't forget to smile तुम मुझे disturb क्यों कर रहे हो, don't forget to smile, bye सब बोलो thank you